हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कर्क यानी कैंसेरियंस के लिए अप्रैल 2020 का महीना कैसा रहेगा। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है आपका अगले महीने का कि अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके लिए पर्सनली प्रोफेशनली क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आपको इस महीने फेस करने पड़ेंगे। सो वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कर्क राशि। सो सबसे पहले जिस तरह से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल डेक से देखेंगे कि इस महीने की आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। कर्क राशि कैसा रहेगा आपका ये नया महीना अप्रैल 2022। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी इस महीने की। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, नंबर 34 अगेन 7। तो आप में से काफी लोगों को 777777 दिख सकता है बहुत ज्यादा। रेस्ट एंड रेजुवेशन नंबर 19। फिफ्थ चक्रा आर्क एंजल गैब्रियल नंबर 39। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है आपकी मैजिशियन एंड द मिरर। सो यहाँ पे काफी मैनिफेस्टेशन चल रहा है शायद, ठीक है। कोई तो है जो कि हील कर रहा है सिचुएशन से। आप में से काफी लोग जो कि अभी तक रेस्ट मोड पे थे या हीलिंग में थे या सेपरेशन में थे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी कम्युनिकेशन होगा इस महीने अपने पार्टनर के साथ। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोगों के लिए कोई नया कोई मीटिंग हो रही है या कोई बहुत ज्यादा किसी ऐसे फील्ड में कोई जा रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आप में से काफी लोग टीचर हो सकते हैं या कोई लेक्चर्स लेते हैं शायद आप लोग, या हीलिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। तो इस तरह का भी मैं देख रही हूँ बिकॉज यहाँ डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। सो कुछ नया आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जिससे आप नई चीज से जुड़ रहे हैं, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं और वो चीज आपको हील कर रही है। उस चीज की वजह से आप पुराने सारी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं साइड ऑफ कर पा रहे हैं। विद दिस कम्युनिटी किसी सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके फ्रेंड की मैरिज हो सकती है काफी लोगों के लिए, ये आपका खुद का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। यस, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। कजिन्स के साथ भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी गेट टुगेदर का पार्ट बन रहे हैं इस महीने, हील हो रहे हैं शायद उस गेट टुगेदर में, किसी नए पर्सन से मुलाकात हो रही है, फिर शायद किसी की कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं, किसी से मीटिंग्स हो रही हैं, नए लोग मिल रहे हैं। और काफी लोगों का एक टाइम ड्यूरेशन अप्रैल के महीने में ऐसा भी आएगा जब उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या मेंटली वो सिक फील कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डे ऑफ पे चले जाएं या थोड़ा सा खुद को रेजुविनेट करें। आपको कहा भी जा रहा है आप मेडिटेशन कीजिए या शायद आप मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी हील हो रहे हैं कर्क राशि। एंड विद दिस मैजिशियन इन द मिरर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रेस्ट एंड रेजुवेशन में भी वो दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट करते होंगे किसी चीज को। यस, नंबर 34, 37, 39, 53, 35 आपकी एज ग्रुप हो सकती है। 7 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। ऑल राइट, यस। नाउ लेट्स सी कर्क राशि की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अप्रैल 2022 के अंदर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्टली वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स. ओके, बॉटम एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स की. वाओ, कम्युनिकेशन, बिल्कुल आपके लव वन से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है. यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं तो. अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो भी आप लोग बहुत एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. आप में से काफी लोग सिंगल हैं, किसी पास्ट रिलेशनशिप से निकले हैं, तो वो विश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए उनके पार्टनर उनकी लाइफ में इस महीने. मुझे लग रहा है उस तरह का एक सिंगल के लिए कोई पर्सन आ रहा है, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ नहीं दिख रही. बहुत रेयरली 10% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, आपको लगे कि ही इज द वन और शी इज द वन, बट अभी तक उसकी एनर्जीज जो है आपकी लाइफ में, उसकी रिलायबिलिटीज तय नहीं हुई है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. कुछ लोगों के लिए वो आगे जाकर के एक परमानेंट पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, बट यस, कुछ नया पर्सन तो आपकी लाइफ में आ सकता है. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि विद दिस सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग हैं जो कि शायद रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं एक नए डायरेक्शन में, कुछ नई चीजों के लिए. ठीक है, नए पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप पुरानी हर चीज से को छोड़ करके एक नए डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं. सो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं और दोनों एकदम एक दूसरे के एंटी मैसेजेस हैं. पहले वो लोग हैं जो कि सेपरेशन में हैं, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है ये उनके पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं सारा ईगो भूल करके. दूसरे वो लोग हैं जो कि ईगो को बड़ा रख रहे हैं, वो अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं और उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वो विश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं. यस, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे कार्ड्स में है, तो मैं दोनों बताऊंगी. यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी दिख रहा है आपके लव लाइफ में और कम्युनिकेशन भी दिख रहा है कि आप लोग साथ आ रहे हैं. 80% लोग जो कि सेपरेशन में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं कर्क राशि, वो डेफिनेटली साथ में आ रहे हैं. नाउ लेट्स चेक कि आपकी वर्क प्लेस की एनर्जीज क्या है. और आप हील भी हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज भी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस है, तो अगेन यहाँ पे आप लोग साथ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं. स्ट्रेंथ, आप में से काफी लोग किसी लियो को डील कर सकते हैं, सिंह राशि के किसी पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं, या आपका सन और मून राइजिंग लियो हो सकता है. चैरियट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स अगेन, वहां पे भी सेलिब्रेशन था. तो हो सकता है कि ये जो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपकी वर्क लाइफ की है. ठीक है, आप अपने वर्क प्लेस पे कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई नया पर्सन आ रहा है वहां पे, या कोई गेट टुगेदर हो रहा है, या एंजॉय कर रहे हैं वर्क प्लेस पे किसी विक्ट्री को. बिकॉज यहाँ कुछ स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है, कोई किसी की जॉब परमानेंट हो रही है, किसी को कोई नया जॉब का ऑफर मिल रहा है, या किसी को प्रमोशन मिल रहा है, तो उसकी ये सक्सेस पार्टी आपकी हो सकती है लाइफ में. आपका करियर ग्रो कर रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं डेफिनेटली, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस महीने अपने करियर को लेकर के, और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे की ब्लेसिंग्स तक लेके जाएगा. मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोग नया व्हीकल भी ले सकते हैं, या आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत हो सकता है आपके वर्क प्लेस को लेकर के, या आपका वर्क प्लेस दूर है, आपको वहाँ जाना पड़ता है बाहर, तो वहाँ पर मुझे आप बहुत ड्राइविंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे. एंड यस, कुछ स्टेबल ऑफर आपको मिलेगा आपके वर्क प्लेस पे, कुछ बात बनेगी आपकी, प्रमोशन मिल सकता है काफ़ी लोगों को, या इंक्रीमेंट मिल सकता है. फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है और काफ़ी हेल्दी एनर्जीज भी रहेंगी, क्योंकि आप सब लोग एक साथ हैं, तो आपको साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा अपने कलीग्स का. ऑलराइट, यस, वेरी पॉजिटिव आपके लिए दोनों ही, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए. चाहे आप दूर जा रहे हैं चाहे आप साथ में आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कर्क राशि ये सब आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है, या आप डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या करना है. फाइव ऑफ कप्स, कुछ लोगों को यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स भी है,
तो आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या आपको आपके ईगो की वजह से कुछ नाराजगियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं अप्रैल में. आपको कुछ गिल्ट भी हो सकता है शायद किसी के चले जाने का. जैसे कि मैंने कहा ना, आप मूव ऑन भी कर रहे हैं काफी लोग यहाँ पे, तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो थोड़ा बहुत गिल्ट में रह सकते हैं किसी के चले जाने के लिए, एक मिसिंग एनर्जी में रह सकते हैं. और कुछ लोग अगर मिसिंग एनर्जी में रहेंगे स्टार्टिंग ऑफ मंथ में, तो वो फिर बातचीत हो जाएगी, उनका रिकंसिलेशन हो जाएगा. एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आ जाएंगी. चाहे आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, चाहे इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं, बट न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में डेफिनेटली होंगी कर्क राशि. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मंथ. नाउ लेट्स चेक कि और क्या सब आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या सब आपकी लाइफ में आ रहा है कर्क राशि. आठ नंबर आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, काफी लोगों के लिए. ऑल राइट, सो वी हैव टिकटॉक. सो बहुत जल्दी ये महीना आपका निकलने वाला है. हो सकता है आपके कुछ टारगेट हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि समय पे उन्हें पूरा कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट साथ साथ हो सकते हैं जिसमें आपको समय ना मिले इस महीने में कि अपने काम आप पूरे करो. तो जो टाइम, जब जिसका टाइम है तब तब उसको पूरा करते चलेंगे, तो आपको परेशानी नहीं आएगी क्योंकि समय भाग रहा है. नेवर एंडिंग स्टोरी, यस. कुछ लोग तो हैं यहाँ जो सेपरेशन में है, उनका रिकन्सिलेशन तय है, तो कॉज एंड कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं. आप मूव ऑन होने का सोच सकते हैं, सेपरेशन चल सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं. कोई तो कंट्रोल कर सकता है इस रिश्ते में अपने पार्टनर को, बट एट द एंड आपको यही रियलाइजेशन होगा कि ये स्टोरी का एंड ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं. सो आप लोगों की कोई लव स्टोरी है तो वो नेवर एंडिंग स्टोरी है, उसमें अभी बहुत कुछ होना है, उसमें न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं. तो अप्रैल एंड तक भी आपको ये पता चल सकता है कि ये स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, और हो सकता है अप्रैल में ही सेपरेशन हो के अप्रैल में ही आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए. हो सकता है मार्च से सेपरेशन चल रहा है, बट आपकी स्टोरी एंड यहाँ पे नहीं हो रही है अप्रैल में. ऑल राइट, यस. नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, सॉरी आपके लिए गाइडेंस क्या है. ब्लेसिंग्स भी देखेंगे हम, पर सबसे पहले देखते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस महीने. आपके लिए गाइडेंस क्या है. सो वी हैव ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यस. तो जहां आप सोच रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई है, वहां कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. कुछ इम्पॉसिबल सा मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है. तो बिलीव कीजिए अपने इम्पॉसिबल चीजों पे. फुल मून इन सेजिटेरियस, आप में से काफी लोग किसी धनु राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं, या आप खुद एक धनु राशि के सन मून राइजिंग हो सकते हैं. लुक एट द बिगर पिक्चर. सो डेफिनेटली आपको कहानी को शॉर्ट में नहीं देखना चाहिए, या किसी सीन को भी आप सिर्फ वैसा ना देखें जैसा आपको समझ आ रहा है, उसमें डीप में जाइए, तब आपको पता चलेगा क्यों, क्या और किस तरीके से वो हुआ है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो. तो आपको कहा जा रहा है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखिए. इम्पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, उस पर बिलीव रखिए. आपके पार्टनर्स वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, या आप सन मून राइजिंग वृश्चिक राशि के हो सकते हैं. यू आर गुड इनफ. और जहां आप में से काफी लोग मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, वहां आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि आप अकेले ही काफी हैं, आप आगे बढ़ो, अपने आप लोग ऐड होते जाएंगे. All right, तो दिस इज ऑल फॉर यू. नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग भाव से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अप्रैल 2022 में. ओके, सो कर्क राशि, यहाँ पे जो पहली ब्लेसिंग है आपके लिए वो है पावर. यस, स्ट्रेंथ कार्ड से भी हमें पावर दिखती है. आप इस महीने बहुत पावर में रहने वाले हैं. और भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है. इवन लव लाइफ में भी आप अपनी पावर को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन आ रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है. तो आप बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, चाहे अपने रिश्तों में हो, चाहे अपने करियर में हो. आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा इस महीने. ओके, नाउ वी हैव स्टेबिलिटी. तो आप में से काफी लोगों को कुछ स्टेबल ऑफर होने वाला है इस महीने. फोर ऑफ वॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी को बताता है कि भाई 11-11 की एनर्जी है, चारों जो पिलर हैं वो खड़े हैं मजबूती से. सो यस, कुछ स्टेबल ऑफर आपको मिलेगा.
वर्क प्लेस पे ज्यादा दिख रहा है, वैसे किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। सेलेक्शन इन जॉब और कोर्स, तो आप में से काफी लोगों को एक नए जॉब का ऑफर आ सकता है, इवन आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो। न्यू होम, तो आप में से काफी लोग किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं या नया घर आपका बने, इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है। प्रॉस्पैरिटी, तो यहाँ पे भी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस है और यहाँ प्रॉस्पैरिटी है। हीलिंग जब हो जाती है तो फिर प्रॉस्पैरिटी ही आती है, सो वो भी मुझे यहाँ आपके लिए दिख रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर यू कर्क राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।